एयरपोर्ट से 5 मिनट के अंदर होटल आ गया था। जो बंदे ने मतलब हम लोग को पिक मेरे जो पिकअप करने जो आया था बंदा, वो होटल के पास लेके आ गया है। तो मैं अभी होटल के पास हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो बाली में ज़्यादा इतने महंगे नहीं होटल, सस्ते हैं। तो मैं आपको होटल के पास आ गया हूँ, मैं आपको होटल दिखाता हूँ। जो होटल है राधा बाली होटल, वो आपको दिखाता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये होटल है, आप देख सकते हो, जो जिसमें मैंने भी बुक किया है, राधा बाली होटल। एंड शाम का टाइम हो गया अभी इंडिया में तो 4 बज रहे समथिंग कुछ इंडिया में, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 2 घंटे का फ़र्क है यहाँ पे। तो यहाँ से बुक कर सकते हैं आप। यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो, निशान खड़ी है, एक स्कूटी वगैरह यहाँ पे बाइक पे मिलती, मतलब रेंट पे मिलती है। जो स्कूटी वगैरह हम यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि ये चीप प्राइस में होटल है, बट देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि कंट्री का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, गेस्ट वगैरह के लिए ऊपर भी है, देख सकते हो। थोड़ा आइसलैंड है ये, आपको पता है, तो आइसलैंड वगैरह में ऐसे ही रहता है ज़्यादातर। इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया। और ये यहाँ से बुक करते, मैं आपको रसीद भी दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से बुक किया है। मतलब बात भी किया हम लोगों ने, मेरे साथ जो ड्राइवर आया था उसने बात किया, वो यहाँ का लोकल बंदा, बट उसने भी डायरेक्ट यही होटल में ले गया। उसने बोला था कि अगर आपको कोई दूसरा पसंद है तो उसमें आप स्टे कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला चलो जिसमें आप लेके चल रहे हो तो उसमें चलते हम लोग। ये स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हो, इसका टाइमिंग है, उस टाइम पे आप मतलब यूज़ कर सकते हो उसको, जो इसका टाइमिंग है। एंड अंदर चलता हूँ, होटल दिखाता हूँ आपको। बाकी काफ़ी फॉरेनर रहते हैं यहाँ पे, जो फॉरेनर है मैंने काफ़ी फॉरेनर देखा है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी फॉरेनर आ जाते हैं यहाँ पे। देख सकते हो आप होटल का व्यू। अगर आपके पास कम बजट है और पैसे कम है तो आप आके इधर एंजॉय कर सकते हो। ये यहाँ से ऊपर अगर किसी का रूम है तो ऊपर जा सकते हैं। मेरा जो रूम है यहाँ पे है 105, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, बैठ सकते हो आप बाहर। वाईफाई वगैरह तो हर होटल में रहता है आजकल, बट इसमें कार्ड नहीं है, चाबी वाला है ज़्यादातर। आजकल जो होटल है आपको पता है सब में स्मार्ट कार्ड रहता है। राधे वाली होटल 105। ये होटल के अंदर का व्यू है, फ्रिज वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ आपको अगर रखना है फ्रिज यूज़ कर सकते हो आप, फ्रिज है। एंड पानी वगैरह उसने पूछा मुझे कि अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, बट अभी मुझे कुछ है मेरे पास ऑलरेडी बिस्लेरी वगैरह। हाँ, यहाँ पे कबाड़ दिया हुआ है, आपको रखना है कुछ रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एसी है तो रहता ही है, नॉर्मल है। बाथरूम भी ठीक है, देख सकते हो आप, हैंड वॉश वगैरह भी दिया हुआ है, और नहाने के लिए भी ठीक ठाक है। मैं तो नहा के एकदम फ्रेश वगैरह हो गया, मतलब इसके लिए टॉवल वगैरह भी उन्होंने दिया था, टॉवल यूज़ किया मैंने, बट मैंने खुद भी अपना टॉवल लाया हुआ था। कुछ कुछ होटल वाले नहीं देते, या कभी कभी अच्छा नहीं लगता तो यूज़ करने टॉवल, तो ज़्यादातर मैं अपने पर्सनली टॉवल यूज़ करता हूँ। मैं अकेला हूँ, बट उन्होंने डबल बेड दिया हुआ है, कोई है नहीं, क्योंकि उसके पास यही रूम खाली था लोगों पास, तो लोग ने यही दे दिया। बाली में, जकार्ता वगैरह में मैंने देखा ज़्यादातर ऐसे ही रहता है कि काफ़ी बड़े बड़े रूम रहता है, जैसे कि मैंने जकार्ता का एक वीडियो बनाया था, बहुत बड़ा रूम था वो भी, तो देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पे आप बैठ के कुछ अगर आपको वर्क करना है तो कर सकते हो। LED भी, TV चालू है, मैंने चेक किया चालू करके। और आपको बिल दिखाता हूँ, जो ये मेरा बिल है, ये 1 नाइट का बिल है मेरा, देख सकते हो आप, ये 1 नाइट का बिल है मेरा, और ये 3 नाइट का बिल है मेरा। ये जो है मेरा 3 नाइट का बिल है। पैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे आदमी मिलियन बिलियन हो जाता है, आदमी मिलियन तो छोड़ो, बिलियनर बन जाता है इंसान यहाँ पे इंसान बिलियनर बन जाता है, लेकिन फिर खर्चे भी उसके हिसाब से होते हैं। वाईफाई भी है, सब कुछ है, तो ठीक है। अगर आपको रहना है तो इस होटल में आप
एंड वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, होटल ये भी है जो एयरपोर्ट से है ही ज़्यादा दूर नहीं है। एरिया का नाम कुटा ऐसा कुछ नाम है, कुटा ठीक है, ये एरिया का जो नाम है कुटा नाम है। तो एक 5 मिनट लगा था मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने के लिए।